नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से रिलेटेड है. इसमें कहा गया थ्री हार्मोनिक वेव्स हैविंग इक्वल फ्रिक्वेंसी न्यू एंड सेम इंटेंसिटी आई नॉट हैव फेज एंगल्स 0, पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 4 रेस्पेक्टिवली. व्हेन दे आर सुपरइम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज क्लोज टू. करने का मतलब ये है कि तीन वेव्स हैं, है ना, तीनों का कुछ इनिशियल फेज दिया गया है. तो अगर इन तीनों का सुपर पोजिशन कराया जाए तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें बताना है. तो ये जो तीन वेव्स हैं कॉम्पोनेंट वेव्स, उनको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो जो दूसरा वेव होगा उसका इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 4. तीसरा वेव जो है उसका इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4. क्योंकि तीनों की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल बताई गई है और इसीलिए कह सकते हैं कि तीनों का एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा, है ना. एक्चुअली में जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है. इनिशियल एम्पलीट्यूड जो है वो ए नॉट ले लेते हैं ऐसे. तो कुछ कांस्टेंट आएगा वहाँ पर, मैं मान लेता हूँ कि सी है. ये इनिशियल इंटेंसिटी है आई नॉट. ठीक, अब इन तीनों का सुपरपोजिशन कराया जाएगा तो एक नया वेव बनेगा, है ना. तो जो रिजल्टेंट वेव है उसको हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3. तो ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम मेथड यूज करते हैं. उसमें एम्पलीट्यूड को वेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है और वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल माना जाता है. जैसे पहले वेव का जो एम्पलीट्यूड है, पहले वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मान लेते हैं कि ये है ए नॉट. उसका इनिशियल फेज 0 मान सकते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा. ये उससे पाई बाय 4 से लीड कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड हम लोग ऐसे लिखेंगे. ये हो जाएगा ए नॉट जो कि 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री एंगल ऊपर होगा, है ना. और जो तीसरा वाला है वो पहले वाले से पाई बाय 4 पीछे है. यानी पहला वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से पाई बाय 4 ये नीचे आएगा. ये तीसरा वाला वेव का एम्पलीट्यूड तो तीनों का इक्वल ही है. तो ये भी ए नॉट, ये भी ए नॉट और ये भी ए नॉट. इनके बीच का एंगल निकालना हो तो फेज डिफरेंस निकालेंगे. तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 आ गया. इसके और इसके बीच का भी पाई बाय 4 ही है. इसमें ये ज़्यादा था इसलिए ऊपर है, और इसमें देखेंगे इसका फेज जो है उससे कम है इसलिए वो हॉरिजॉन्टल से नीचे चले गया. ठीक, तो एक्चुअली में मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम लोग वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं और यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड वेक्टर को ऐड करना है. ऐड करने के लिए हेड और टेल को मिलाते हैं. इसका हेड और दूसरे वाले का टेल मिल रहा है, फिर दूसरे वाले का हेड तीसरे वाले का टेल मिल रहा है, फिर फ्री टेल से फ्री हेड मिलाते हैं तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो गया. उस हिसाब से अगर ये ए नॉट है तो ये आएगा ए नॉट कॉस 45 यानी कि ए बाई रूट 2. उसी तरह से ये भी ए नॉट है तो ये भी उतना ही आएगा, ए कॉस 45 यानी कि ए नॉट बाई रूट 2. इसको 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 तीनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा. तो ये कुछ आएगा इस तरह से, ए नॉट प्लस रूट 2 ए नॉट, है ना, इतना आ जाएगा. इसको लिखा जा सकता है ए नॉट इंटू रूट 2 प्लस 1. तो ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका इक्वेशन एक्चुअली में ये आएगा. ये एम्पलीट्यूड ए मान लिया हमने, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका आएगा ए, इन तीनों को ऐड करने के बाद ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा आएगा. डेल्टा यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि निकाला जा सकता है, है ना, लेकिन यहाँ पर निकाल, हालांकि यहाँ पर वो देखेंगे डेल्टा तो 0 आएगा यहाँ भी, क्योंकि फाइनली रिजल्टेंट जो आ रहा है वो रिजल्टेंट जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है. मतलब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये ओरिजिन जो पहले वाले का था, तो इसके इसके बीच में फेज डिफरेंस 0 है. एंगल 0 है तो फेज डिफरेंस 0 है ना. डेल्टा का वैल्यू वैसे ही 0 हो गया. अब
ये जो रिजल्टेंट वेव बना इसकी इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे तो ये आना चाहिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि सी ए स्क्वायर। सी यहाँ वाला कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए के जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो ये आएगा ए नॉट स्क्वायर रूट टू प्लस वन का स्क्वायर आएगा 2 + 1 + 2√2, है ना। तो सी ए नॉट स्क्वायर को मैं आई नॉट लिख सकता हूँ यहाँ से, तो ये तो हो गया आई नॉट और ये हो जाएगा 3 + 2√2, है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया है वो आया है आई नॉट 3 + 2√2 का वैल्यू 1.414 होता है, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 + 3, तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 आई नॉट इसको लिखा जा सकता है। और यही जो है यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया है।